नाम इतना नहीं लिया जाता जितना जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। आप वुजू बनाते हैं तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम लिया जा रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। यहां नाम के नाम लिया गया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 11:16 हो रहे हैं मेरी घड़ी में, इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया की किसी ना किसी कोने में ईशा की अज़ान हो रही होगी और दुनिया के किसी ना किसी कोने में इस वक्त फजर की अज़ान भी हो रही होगी और दुनिया के किसी ना किसी कोने में इस वक्त जोहर की अज़ान हो रही होगी और दुनिया के किसी ना किसी कोने में इस वक्त आतर और मगरिब की अज़ान भी हो रही होगी। हमारी घड़ी में 11:16 है लेकिन इस वक्त कहीं ईशा का वक्त होगा, कहीं फजर का हो रहा होगा, कहीं जोहर का है तो कहीं असर का, कहीं मगरिब का। अभी आधे मिनट के बाद फिर कहीं और हो जाएगा, फिर आधे मिनट के बाद फिर किसी और शहर में हो जाएगा। जैसे हमारे यहां आपके पाकुड़ में मगरिब की अजान जब होती है, हमारे यहां उस वक्त मगरिब की अजान होने में 40 मिनट बाकी रहते हैं। रमजान के महीने में यहां से बहुत से लोग जब हमें फोन करते हैं तो मैं उनसे कहता हूं साहब आधे घंटे के बाद फोन करना, अभी हम लोग इफ्तार करने जा रहे हैं। तो हम लोग तो नमाज ही पढ़ के आ चुके हैं, तो हमने कहा भाई हम आपके यहां नहीं रहे, हम अपने यहां हैं, इसलिए इफ्तार के बाद हम तो कर चुके हैं। हमने कहा हम तो नहीं किए हैं यार, बाद में बात करना। ओ ये होता है, तो देखिए यहां अजान का टाइम अभी है, फिर एक मिनट के बाद कहीं और है, फिर एक मिनट के बाद कहीं और है, 40 मिनट के बाद हमारे इटावा में आ जाता है। इसका मतलब ये बराबर हो रहा है। तो इस तरीके से इंसाइक्लोपीडियों पर निकाल कर क्रिश्चियन राइटर लिखता है, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता 24 घंटे में, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड में अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न अदा किया जा रहा हो। इतना नाम बुलंद कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। तो इतनी तारीफ, यहां अज़ान खत्म हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अज़ान के बाद की दुआ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन वसीला آتي محمد عن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته میرے بھائیو آپ دیکھ لیجئے اس دعا میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہیں پر جناب محمد رسول اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے, لیکن نماز ختم کرنے سے پہلے التحیات میں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ اگر یہاں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے رہے ہیں تو نماز ختم کرنے سے پہلے ضرور درود شریف پڑھتے ہیں, اس میں نبی اکرم کا نام آپ کو لینا پڑتا ہے, اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ تو میرے بھائیو اس تشویشیت پورے وشو میں پوری دنیا میں ان سے زیادہ نام کسی کا نہیں لیا جائے گا۔ کتاب تمہاری ہے, ہم تو تمہیں صرف روشنی دکھا رہے ہیں, پنڈتوں نے جو انگلیاں رکھ لی ہیں ہم تو ان کی ہاتھ کی انگلیوں کو ہٹا کے صرف تمہیں کتاب بتا رہے ہیں, یہ ہے تمہاری کتاب میں نراشن, یہ ہے محمد رسول اللہ کا ذکر۔ इदम जना उपशृत नराशंति तश्विष्यते षष्टिम सहस्रानभीतम च कौरम अरुष मेधु गगमहे, षष्टिम 60,000 नबीतम 90 90 कौरम अरुष मेधु नबीतम च कौरम 60,090 दुश्मनों से हम उस कल्कि की उस नराशन की रक्षा करेंगे, उस मुहाजिर की हम रक्षा करेंगे, उस शरारती की हम रक्षा करेंगे।
60,090 की गिनती बता दी, 60,090 दुश्मन थे अल्लाह के रसूल के। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसे नबी हैं जिनके दुश्मन 60,090 की तादाद में थे। जंगे खंदक में 10,000, जंगे खैबर में 10,000, 10 और 10, 20, 40,000 रूमियों का लश्कर जो मदीना में आया था मदीन अहले मदीना की ईंट से ईंट बजाने, और अल्लाह के रसूल अपने 3,000 लश्कर के साथ जब निकले तो 40,000 के लश्कर के पैर उखड़ गए, भागे तितर बितर हो गए। तो 40,000 का लश्कर वो 40 और 20, 60, नवीतम 90, 93 लोग ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस अहदो पैमान पर रह रहे थे कि आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपके आपका साथ दूंगा, और आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपका साथ दूंगा, और हम पे कोई हमला करेगा तो आप हमारा साथ दीजिएगा। आपने कहा ठीक है। उसमें से 3 उन लोगों ने गद्दारी की, 93 लोगों में, उसमें से 3 लोग ऐसे थे जिनकी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, काब इब्न मालिक वगैरह, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ कर दिया। तो 93 गद्दारों में से 3 की तौबा कबूल हो गई, तो 93 में से 3 निकाल दो तो कितने बचे? 90। 60,000 उधर और 90 इधर, 60,090 टोटल, जितनी हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, और वो भी वेद में, अथर्ववेद के 20वें कांड के 127वें सूक्त के पहले मंत्र के अंदर ये चीज इतनी स्पष्ट लिखी हो, लेकिन कुर्सी पर बैठे लोगों को नहीं दिखाई देगी। उनको तो बस जैसे ही हमारी सरकार आएगी टीएमसी के गुंडों को तख्ती पर मौत जिंदगी की भीख मांगते हुए देखोगे। पता नहीं कैसे लोगों ने इनको कुर्सी का हकदार बना दिया। कुर्सी भी बद्दुआ देती होगी अल्लाह, सोचो मेरे भाई, 60,090 हम प्रमाण दे रहे हैं, 60,090 दुश्मन किसके? मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम ये नहीं कहा उनके जरिए मरवा देंगे या नरासंस मारे जाएंगे, नहीं, हम उनसे हिफाजत करेंगे। इतने दुश्मन होने के बावजूद अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी जरूर, लेकिन किसी दुश्मन के हाथ से आप मारे नहीं गए, कत्ल नहीं किए गए। जंग उहद में आपके बंदाने मुबारक शहीद जरूर हुए, खून जरूर निकला, दो दांत टूट जरूर गए, लेकिन आपको किसी ने कत्ल नहीं किया, अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। हम उस नबी की, उस शरारती, उस मुहाजिर, मुहाजिर इशारा हिजरत की तरफ, मक्का छोड़ के आप मदीने की तरफ गए, हम उस मुहाजिर की 60,090 दुश्मनों से हिफाजत करेंगे।